बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एंड बैक एज़ विजुअल विद द न्यू वीडियो। कैमरा इज़ बिकमिंग हेजी एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्लियर। ओ आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। इन मेमोरियम, इन माई प्रीवियस वीडियो इट हैज़ बीन एक्सप्लेन दैट वॉट इज़ इन मेमोरियम, हाउ इट हैज़ बीन बिकम द इन द पब्लिश्ड वर्क, ओके, एट द पीस ऑफ पब्लिश्ड वर्क and why the publisher thought it should created, okay? So Dr. Loyla Prabhu Logo, no, Dr. Loyla Logo Prabhu was responsible for this work, okay? So let's start. In memoriam, R.K. Narayan. India and the world of letters were orphaned by the death of R.K. Narayan. India, Hindustan, and India ki jo English letters ki duniya thi, ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने आगे पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे सिर्फ लेटर लिखा हुआ है। एंड द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स, खतूत की जो एक दुनिया थी, खतों की एक दुनिया थी, वो यतीम हो चुकी थी आर के नारायण की डेथ के बाद। टू अ न्यूअर जनरेशन हॉर्न बाय द ट्रांसकॉन्टिनेंटल सक्सेस ऑफ सलमान रुश्दी, ठीक है, जो न्यूअर जनरेशन के लिए इतनी ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई वाली बात थी, उन्होंने इतना बख्शा था, इतनी ज़्यादा इज्जत बख्शी थी कि इन्हें वर्ल्ड वाइड लेवल पे कामयाबी मिल चुकी थी उस वक्त तक। सलमान रुश्दी को, विक्रम सेठ एंड अरुंधति रॉय, ही में अपियर अ बैक नंबर, ठीक है, विक्रम सेठ अरुंधति रॉय के बाद भी इनका बाद में नंबर आया, ये बाद में ये जहूर में आए, ठीक है। उस वक्त तक अरुंधति रॉय और विक्रम सेठ भी कामयाबी हासिल कर चुके थे, इतना ज़्यादा उन लोगों के नाम, इतनी ज़्यादा वो शोहरत पा चुके थे, यहाँ तक कि सलमान रुश्दी बाद में उनका ज़हूर हुआ। इन फैक्ट इट वॉज ही हु स्टॉर्म द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लेटर्स, ठीक है, यहाँ तक कि यही वो शख्स थे, यही वो राइटर थे जिन्होंने तूफ़ान उठा दिया था, एक तरह की हलचल मचा दी थी, किसमें? इंग्लिश लेटर्स की दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लेटर्स, ठीक है। जब When Graham Greene introduced him to Hamish Hamilton, who became his first major publisher, ठीक है, जब Graham Greene ने इनका तारुफ करवाया, इनकी मुलाकात करवाई, इनको introduced करवाया, किससे? Hamish Hamilton से। जाहिर सी बात है, एक राइटर को, एक काम करने वाले को किसी ऐसे काम के शख्स से, किसी ऐसे इंसान से मिलाया जाएगा तो डेफिनेटली उसके काम के सिलसिले में मुलाकात करवाई जाएगी, ना कि सिर्फ ही ऐसे ही बेमकसद मुलाकात करवाई जाएगी। तो ग्राहम ग्रीन का काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनकी सक्सेसफुल जिंदगी में, ठीक है। Hamish Hamilton ही जो थे इनके पहले मेजर पब्लिशर बने, ठीक है, हिज फर्स्ट मेजर पब्लिशर, ठीक है। इन्होंने, Hamish Hamilton ने ही इन्हें मौका दिया कि ये अपना काम पब्लिश कर सकें। ये आगे हमें और भी इनकी बातें जो हैं समझने को सुनने में मिलेंगी, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ग्रीन वॉज नो नारायण, ग्रीन जो हैं वो नारायण तो नहीं थे, ये इतना सा वर्ड इतना ही वाजे करता है। आगे जब ये लाइन पढ़ेंगे तो फिर पूरी बात क्लियर हो जाएगी। वॉट ईट्स वॉज टू टेगोर, जो ईट्स अहमियत रखते थे टेगोर के लिए, यहाँ पे ग्रीन को नारायण से इसलिए अहमियत दी जा रही है कि ईट्स, डब्ल्यू बी ईट्स, हु वॉज द ब्रिटिश राइटर ऑफ दैट एरा, वो टेगोर के लिए काफ़ी अहमियत रखते थे। तो यहाँ पे ये आयरॉनिक बात की जा रही है इस लाइन में, ठीक है, कंपेयर करके। ग्रीन वॉज नो नारायण, वॉट ईट्स वॉज टू टेगोर, द जेनरसली ऑफ द ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट समटाइम्स इज हाईली कमेंडेबल, जो ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट, ब्रिटिश बरतानवी तरक्याती कामों में से कुछ काम ऐसे हैं जो बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा तारीफ़ के काबिल होते हैं और हम खुद, हमारा दिल दमाग खुद उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और काफ़ी ज़्यादा उसे पॉजिटिवली लेता है कि उन्होंने जहाँ पे कुछ ऐसी खराबियाँ की हमारी कंट्रीज़ में, तो कुछ ऐसे काम भी उन्होंने किए जिसको आज तक हम याद करते हैं, इवन हम उन्हें पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्सेज में उनके काम हैं, ठीक है। और हमारे अपने जो राइटर्स थे उन्हें इन लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ाया है, ठीक है। विदाउट ईट्स टेगोर मे नॉट हैव मेड इट टू द नोबल अकेडमी, ईट्स के बगैर जो है टेगोर, रविंद्रनाथ टेगोर जो है, वो नोबल अकेडमी कभी भी नहीं हासिल कर सकते, यानी कि वो नोबल अकेडमी तक कभी भी पहुँच भी नहीं पाते। नारायण मे हैव लैंग्वेज एज टीचर ऑफ इंग्लिश एट महाराजाज स्कूल, नारायण भी शायद कमज़ोर नहीं पढ़ते या वो इंग्लिश में महाराजा के स्कूल में वो एज ए इंग्लिश टीचर कभी भी वो कमज़ोर नहीं पढ़ते। इट इज़ आयरोनिक टू मेड दैट व्हेन ही फेल्ड इन इंग्लिश ही टुक अ ईयर ऑफ टू स्टडी,
ठीक है। नारायण भी जो है महाराजा स्कूल में, वो इन्होंने जो है टीचर के इसमें एज अ टीचर वो फेल कर गए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात है, सीधे सदमाकुन बात है ये, कि जब वो फेल कर गए इंग्लिश में, उन्होंने एक साल, ही टुक अ ईयर ऑफ टू स्टडी इट, उन्होंने एक साल ऑफ लिया इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। हिज प्राइवेट रीडिंग्स डेवलप्ड हिज स्टाइल एंड डायरेक्टली लेड टू हिज ट्राइंग हिज हैंड एट क्रिएटिव वर्क। उनकी जो प्राइवेट रीडिंग थी, जो उन्होंने ऑफ लिया, छुट्टियां ली और एक साल की, और उन्होंने जो स्टडी करना शुरू किया, तो उनके हाथ में, उनके अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आई कि उनका स्टाइल जो है वो डायरेक्टली क्या हुआ, उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी क्रिएटिव वर्क में, ठीक है। तभी वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इतना ज़्यादा काम तरक्की हासिल कर किया उन्होंने। और अगर ये स्टडी उन्होंने नहीं की होती तो शायद आज उन्होंने ये नाम भी नहीं कमाया हुआ होता। तो हमें इनके काम से ये पता चलता है कि जब ये राइटर इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, तो कामयाबी हासिल करने वाला का हासिल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक चाह होनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कोशिश की और यहाँ तक पहुँचे। आगे की वीडियो भी मैं बनाऊँगी, आगे का भी पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा। और इवन आई एम ऑल्सो स्टडिंग हिज मालगुडी, आप नेट पे इनकी मालगुडी भी, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल सीरीज़ पे इनकी लिखी हुई कहानी है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कहानियाँ इसमें शामिल है मालगुडी में, और हमारे बोर्ड के मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी रहता है ये इनका चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो मालगुडी को भी कभी आप ये कर सकते हैं, लाइक स्टडी कर सकते हैं थ्रू द ऑन स्क्रीन और थ्रू द रिटन बुक, सो इट विल बी रियली वेरी यूजफुल फॉर एवरी स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। इफ़ आई एम लैकिंग समवेयर देन कम टू कमेंट सेक्शन एंड टेल मी, इफ़ एनी क्वेश्चन इज देयर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द टॉपिक, देन प्लीज़ कम इन माई कमेंट सेक्शन। जज़ाकअल्लाह।